और फरिश्ते भी हैवानियत से दूर हैं, रोजे की हालत में इंसान भी हैवानियत से बहुत दूर हो जाता है। रोजा दुनियावी झंझटों से अपने आप को काट कर रख देने का नाम है। इंसान जब अपने आप को मादी दुनिया से अलग करता है और दुनियावी दुनिया से मरबूत करता है, तो हैरत अंगेज तौर पर वो ये महसूस करने लगता है कि एक नई हकीकत उसके सामने खुल गई है और तमाम वाकयात और हकायक जो मादी गिलाफों में लिपटे हुए हैं, जो आम तौर से हम अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर देखने नहीं पाते हैं, अब उसे नजर आने लगते हैं और बंदा तब उस मंजिल तक पहुंच जाता है जो इंसान की आखिरी मेराज है, यानी अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रजा, तकवा। और रोजा रखवाने का असल मकसद भी अल्लाह ताला का यही है कि वो हम में तकवा पैदा करे, लअल्लकुम तत्तकून। अगर कोई इंसान रोजा रख कर भी सच्चाई पर ना उठ सका, जिसने अपनी जिंदगी की इमारत, अपनी जिंदगी की बुनियाद फिर भी झूठ पर रखी, बातिल बात कहना, नाहक बात कहना करना न छोड़ी, और रमजान के बाहर भी उसकी जिंदगी में सच्चाई दिखाई न दी, तो ऐसे शख्स को सोचना चाहिए कि आखिर सुबह से शाम तक वो क्यों भूखा प्यासा रहे। रमजान में रोजे की हालत में भी अगर कोई शख्स ये सब नहीं छोड़ता तो भी उसके हाथ भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं आता। रोजा एक मकसद रखता है, एक अहमियत रखता है। रोजेदार को रोजा रखने का असल मकसद मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको भूखा प्यासा रखकर, उसको उसकी नफसानी ख्वाहिशात से कुछ वक्त के लिए दूर रखकर आखिर चाहते क्या है। इस बात की रूह से उसकी वाकफियत बहुत जरूरी है, वरना ये एक वक्त तक भूखा प्यासा रहना, एक वक्त तक खुद को कंट्रोल कर लेना और उसके बाद जो ही वो वक्त खत्म हो और छूट जाना, रोजे की अहमियत से खाली है, रोजे के मकसद से खाली है, रोजे की रूह इससे निकल जाती है। रोजा ईमान की मजबूती की अलामत है। इंसान चोरी छुपे भी कुछ खाता पीता नहीं है जबकि घर पे सब कुछ मौजूद होता है। सख्त गर्मी की हालत में जब हलक चटका जाता हो एक बूंद पानी नहीं पीता है। सख्त भूख की हालत में जब दम निकल रहा हो कुछ नहीं खाता है, कोई नहीं देख रहा है, उसके घर में हर चीज मौजूद है। किसी खास हस्ती के आलिमुल गैब होने का उसको इस कदर ईमान है कि वो देख रहा है जिसकी खातिर मैं भूखा प्यासा हूं। ये ईमान की मजबूती हमें रोजे से हासिल होती है, हमें रोजा सिखाता है किस कदर यकीन के साथ वो शख्स ये जानता है कि मैं चाहे कोई हरकत भी करूं, चाहे मुझे कोई भी ना देखे, वो आलिमुल गैब मुझे देख रहा है। किस कदर खौफ खुदा उसके अंदर, उसके दिल में पैदा हो जाता है जिसके खौफ की वजह से कि वो रुका हुआ है, उसके पास सब कुछ है, वो फिर भी नहीं तोड़ रहा है, फिर भी वो वादा, वो कमिटमेंट जो उसने अल्लाह के साथ एक वक्त मुकर्ररा के लिए की है वो नहीं छोड़ रहा है। रोजा एक माह की मुस्तकिल ट्रेनिंग है। अल्लाह ताला इस रमजानुल मुबारक के जरिए इंसान को मुसलसल एक माह तक आजमाइश में डालते हैं और इंसान जितना इस आजमाइश में पूरा उतरता जाता है उतना उसका ईमान मजबूत होता जाता है। ये गोया के एक आजमाइश भी है और एक ट्रेनिंग भी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप किसी इंसान पर अमानत का बोझ डालकर उसे आजमाते हैं। किसी को अमानत दी, अब वो अमानतदार निकला, उसने वक्त पर पूरी पूरी अदा कर दी तो उसके अमानतदार होने का भी पता चल गया, आइंदा आप उस पर भरोसा भी ज्यादा करेंगे और वो भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर वो खयानत कर ले, उस अमानत में थोड़ी सी भी खयानत कर ले, तो आइंदा आपका भरोसा भी कम हो जाएगा और उसमें ताकत भी कम हो जाएगी। इसीलिए अमानत का बोझ उठाने के लिए अमानत का बोझ डालना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने ये बोझ, ये आजमाइश रोजे की हालत में हम पे डाली, डाल के हमें देखा, आजमाया क्या हम ये बोझ उठा सकते हैं। जो जितनी अच्छी तरह से इस अमानत के बोझ को उठा गया वो उतना मुत्तकी हो गया, उसमें ईमान उतना बढ़ गया। एक माह तक रोजाना 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, बाज़ मुल्कों में 18 और 19 घंटे का भी रोजा होता है, अल्लाह ताला आपके ईमान को कड़ी आजमाइश में डालते हैं। उस वक्त अगर आप उसके ईमान पर, उसकी आजमाइश पर
इस कड़ी आजमाइश पर पूरा उतरते हैं, तो ये इस बात के मजीद काबिलियत पैदा होने की सनद हो जाती है कि अल्लाह से डर के आप दूसरे गुनाहों से भी परहेज कर सकते हैं, अल्लाह की हराम करदा हदों तक जाने की जुरत भी नहीं कर सकते। जब अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को अल्लाह की सिर्फ रजामंदी का हुसूल, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ें, अपना ऐशो इशरत, अपनी जायज़ ज़रूरियात छोड़ सकते हैं, तो अल्लाह ताला के खौफ की वजह से, अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए क्या उसकी हराम की हुई चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ताला की इताअत की ये एक तवील मशक है। नाज़रीन कराम, रोज़े की खसूसियत यह है कि एक लंबी मुद्दत तक आप शरीयत के अहकामात की लगातार इताअत करते रहते हैं। नमाज एक वक्त में चंद मिनटों से ज़्यादा नहीं होती और ज़कात का वक्त भी साल में सिर्फ एक बार आता है। हज उम्र भर में एक बार फ़र्ज है और वो भी सब पर नहीं। रोज़ा हर साल पूरे एक महीने तक सुबह से शाम तक अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इत्तेबा की मशक है। और ये मतवातिर मशक सुबह सहरी के लिए आप उठें, उसके बाद ठीक फला वक्त पर आप सहरी बंद कर दें, आप खाएं पिएं एक वक्त मुकर्रा तक। अब यह वक्त हो गया, अब सहरी खत्म, अब खाना बंद कर दें, अब तमाम दिन फलां फलां काम कर सकते हैं, फलां फलां काम नहीं कर सकते। आपको गुस्सा आ रहा है और आप जायज़ भी हैं, हक पर भी हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप रोजे की हालत में हैं। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, लेकिन आप नहीं खा पी सकते क्योंकि आप रोजे की हालत में हैं। एक वक्त मुकर्रर है, अब आपको इस पे इफ्तार करना है, आपको भूख नहीं भी लगी है तो भी आपको खोलना है। ये ट्रेनिंग है अल्लाह की इताअत की, उसके अहकामात की इताअत की, और ये मुतवातिर एक महीने तक जारी रहती है। इसी तरह पूरे एक माह तक हर साल सुबह से शाम तक, फिर शाम से सुबह तक एक मुसलमान को मुस्तकिल ये फौजी सिपाहियों की तरह पूरी मशक करनी पड़ती है। आप फलां वक्त तरावी पढ़ेंगे, फलां वक्त से फलां वक्त तक कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, फलां वक्त से फलां वक्त तक ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, खामोश रहने की भी ट्रेनिंग है ये, लघ गुफ्तगु नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करेंगे, और ये एक माह की मुस्तकिल ट्रेनिंग और फिर साल भर इसका असर होगा और इन असरात का इजहार भी होगा। अगर एक साल में कोई कमी बेशी रह जाती है तो अगले साल ये ट्रेनिंग पूरा कर देती है, अगले साल फिर कोई कमी बेशी रह जाती है तो तीसरे साल ये पूरी हो जाती है, और ये मुस्तकिल बचपन से शुरू होती है। आप ख्वाहिश के मुताबिक अपने बच्चों को छोटी उम्र में भी रोज़ा रखाते हैं। किस लिए रखाते हैं? ताकि उनके मुंह को ये मज़ा लगा दें, उनको बताएं कि ये रोज़े में हम इस चीज़ से रुकते हैं, इस चीज़ को करते हैं, और फिर उनको शाबाश देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल हर साल चंद रोज़े रखवा के, यहाँ तक कि रोज़ा उन पर फ़र्ज़ हो जाता है, और जब उन पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है तो एक माहौल बन जाता है जिसे वो खुशी से रखना शुरू कर देते हैं, अपनाते हैं उसको, उसकी आदत पड़ जाती है। इस मश्क की, इस ट्रेनिंग की, इस तरबियत के लिए अगर हम एक एक इंसान को अलग अलग तैयार करते हैं तो उसका इनफरादी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर हम पूरी कौम एक वक्त में उसी एक माहौल में होती है तो उसका कई गुना फ़ायदा होता है। जैसे पूरी फौज को एक साथ कवायद और जवाबित सिखाए जाते हैं, एक साथ उनकी मशक होती है, एक साथ एक्सरसाइज हो रही है, एक साथ निशानाबाजी हो रही है, एक साथ दौड़ लग रही है, उसका फ़ायदा इनफरादी एक एक बंदे को अलग अलग सिखाने में बहुत मुश्किल होती है, और वो नामुमकिनात में से भी होता है। हो सकता है एक एक को भी कराने में फ़ायदा हो, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। होता तभी है जब पूरी जमात करे, और इसी तरह से एक शख्स में अगर कोई कमी रह जाती है दूसरा उसको पूरी करता है। रोज़ा तरबियत का एक माहौल बना देता है। आप एक दूसरे की मदद का जज्बा भी इसी तरह से अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। एक शख्स रोज़ा रखे हुए है, दूसरा भी रखे हुए है, एक उसमें कोई कमी देखता है दूसरा उसको टोक देता है, एक ने नहीं रखा हुआ एक ने रखा हुआ है, दूसरा उसके एहतराम में भूखा प्यासा रहता है, नहीं खाता है। इसी तरह से एक गुस्से में है वो कोई बात करता है दूसरा उसको याद करा देता है कि तुम्हारा रोज़ा है। इस्लाम में इसी तरह रमज़ान का महीना इस इबादत के लिए मखसूस कर दिया गया और तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि एक वक्त में सब मिलकर इस पूरे महीने में रोज़ा रखें।
इनफरादी इबादत इस हुक्म के बाद इज्तिमाई इबादत बन गई। एक शख्स के रोजा रखने से जो अखलाकी और रूहानी फायदे हो सकते हैं, वो लाखों करोड़ों अशखास के एक साथ एक वक्त में रखने से करोड़ों गुना लाखों गुना बढ़कर हो जाते हैं। रमजान का पूरा महीना फजा को नेकी और परहेजगारी की रूह से भर देता है। पूरी की पूरी कौम में तकवा की खेती सरसब्ज हो जाती है। हर शख्स सिर्फ खुद गुनाहों से बचने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि अपने साथ कई एक लोगों को बचाने की भी कोशिश करता है। कई एक लोगों की तरबियत अपनी तरबियत के साथ साथ होती जाती है। एक दूसरे से एक दूसरे के भाई सीखते चले जाते हैं, दोस्त सीखते चले जाते हैं। एक रोजादार दूसरे रोजादार को राह रास्त पर रमजान की हालत में आसानी से ला सकता है। हर शख्स को रोजा रखकर गुनाह करते हुए शर्म महसूस होती है। हर एक के दिल में यह ख्वाहिश उभरती है कि कुछ भलाई कर ले, किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी नंगे को कपड़े पहना दे, किसी मुसीबत ज़दा की मदद कर दे, किसी जगह अगर कोई नेक काम हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दे। अगर कहीं खुलम खुला गुनाह हो रहा है तो उसे शर्म दिला दे, उसे रमजान का, उसे रोजे का वास्ता दे और बताए कि इस महीने में पूरी दुनिया और अच्छे भले गुनहगार लोग भी अल्लाह से शर्म कर रहे हैं, तो हम और तुम जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते। वो लोग जो आम तौर से भी अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, उनके लिए ये रमजान का महीना बहुत आसान हो जाता है तबलीगी मिशन पूरा करने में। वो लोग जो आम तौर से गुनहगार हैं, उनके लिए ये महीना जो है तरबियत और आजमाइश के लिए बेहतरीन है। वो लोग जो मुबल्लिगीन हैं, जो उलमा हजरात हैं और जो पहले से नेक हैं, उनके लिए यह महीना सरापा रहमत है। वो दूसरों को इस तरफ बहुत आसानी से, बहुत तेजी से ला सकते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का हर अमल अल्लाह के यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ता है, फलता फूलता है। एक नेकी 10 गुना से 700 गुना तक फलती फूलती रहती है। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा इससे मुस्तस्ना है, वो खास मेरे लिए है और मैं इसके लिए जितना चाहूँगा बदला दूंगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने यूं तो हर नेकी का अपने पास इवज रखा है, इसके इवज वो इतना बदला देगा, इसके इवज वो इतना अजर देगा। लेकिन रोज़ा को अल्लाह ताला ने खालिस अपने साथ मखसूस कर लिया, ये कह के कि मैं इसका अजर तय नहीं करता, ये बात क्या जाहिर करती है? ये बात ये जाहिर करती है कि इसका अजर लामहदूद है। जो शख्स जिस तरीके से इस फरीजे को, जितना इसकी रूह को पहचान के, जितना इसके मकासिद को अपने जहन में रखते हुए, जितना तकवा का हुसूल कर लेगा, जितना अच्छी तरह से रोज़ा रख लेगा, उस पर उतना अच्छा असर भी जाहिर होगा और उसको उतना ज़्यादा अजर भी मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई। फरमाया, अस्सौमुली व अना अजीबे, ये रोज़ा खालिस मेरे लिए है और इसका इसकी जजा, इसका अजर भी मैं ही दूंगा। यूं तो हर इबादत का अजर अल्लाह ताला खुद दिया करते हैं, लेकिन हर इबादत का अजर अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देते हैं। रोज़े का अजर अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं फरमाया, फरमाया कि इसका मैं जिसको जितना चाहे उतना दूंगा। यानी यहाँ पर यह बात तय हो जाती है कि रोज़ेदार भी मुख्तलिफ होते हैं। किसी का रोज़ा ऐसा अजर रखेगा कि उसने उस रोजे में हर उस चीज से रुक गया, असली माने में, सही माने में सौम का हक अदा कर दिया, हर उस चीज से रुक गया जिससे अल्लाह ने रुकने को कहा। कुछ लोग हर वो इबादत करने लगे जो अल्लाह ताला को वैसे भी बहुत पसंद है और हालत रोजा में उसका बहुत अजर है। कुछ लोगों ने इसका वो नेक नियति के साथ अमल किया कि इस महीने में अपनी जात के ऊपर भी तरबियत की और दूसरों का भी ख्याल रखा, उसका अजर उसके मुताबिक है। कुछ लोगों ने इस पर रोजे का वो हक भी देखा कि अपने गरीब गुरबा बहन भाइयों की भी मदद की, उसका हक उसके मुताबिक है। यानी अल्लाह ताला ने इस रोजे की इबादत का अजर मुख्तलिफ रोज़ेदारों को मुख्तलिफ तरीके से दिया, और ये एक जुमला कह के कि ये रोज़ा खालिसतन मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूंगा, मैं तय ही नहीं करता कि मैं इसको कहाँ महदूद कर दूँ। यानी लामहदूद अजर है। इबादतों में सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है। इस्लामी तीसरा रुकन तो है, तीसरा रुकन इसलिए कि तौहीद के बगैर है कुछ नहीं, और नमाज पहला रुकन है इबादतों में, तो ये तीसरा बन जाता है। के अल्लाह ताला ने जब तीसरा रुकन रोज़े को बताया, 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ,
तो अल्लाह ताला ने जब ये फ़र्ज किया तो ये रमज़ान के साथ मखसूस कर दिया, वरना इससे पहले भी जैसा कि मैंने पिछले दर्स में भी बताया और आज भी कि पहली उम्मतों पर भी ये फ़र्ज़ रहा है और हर उम्मत में हर नबी पर इस इबादत की बहुत अहमियत वाज़ह की गई। हर नबी ने रोज़ा रखा, हर उम्मत ने, हर कौम ने रोज़ा रखा, लेकिन इस्लाम में रोज़े को रमज़ान के साथ मखसूस कर दिया। पूरे का पूरा महीना एक मुस्तकिल ट्रेनिंग, जैसे कि एक फौजी की, एक सिपाही की जाती है कि इसमें तुम्हें ये 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 करना है और अपने अपने वक्त पर करना है। जब पूरा महीना हम उस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, उस आजमाइश से गुजरते हैं, तो हमारा मिजाज बन जाता है, फिर आसान हो जाता है बाकी के 11 महीने वो सब कुछ करना। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि हम रोजे की रूह तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसका मकसद नहीं पहचान पाए हैं। महज एक रस्म निभा दी है कि सुबह के तुलू होने से लेके सूरज के गुरूब होने तक हम भूखे प्यासे रह लिए और बात खत्म, और यहां सूरज गुरूब हुआ तो हमने कई कई खाने खा लिए और बात खत्म। रोजे का मकसद ये नहीं है। रोजे का मकसद अपनी जाहिरी बातिनी ख्वाहिशात को रुकने का नाम ही नहीं, रोजे का मकसद तमाम तर मासियात से, तमाम तर उन आमाल से, तमाम तर उन हरकात व सकनात से रुक जाने का नाम है। इसका मकसद, इसकी रूह अल्लाह ताला की रजा का हुसूल है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको सबसे ज्यादा अहमियत दी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस इबादत का अजर भी वाज़े नहीं फरमाया और कह दिया कि ये जिसने नेक नियत से मेरे लिए किया, मैं उसे ही इसका अजर दूंगा। जिस कदर ज्यादा इन बरकतों से तुम फायदा उठाना चाहो, इस रोजे की हालत में उठा सकते हो। जितनी बरकत, जितनी रहमत, जितना फायदा, जितनी तरबियत, जितनी आजमाइश, जितनी ट्रेनिंग, जितनी ईमान की मजबूती, जितना तकवा का हुसूल इस रोजे की हालत में हासिल करना चाहते हो, कर सकते हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।